Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello friends, welcome to my YouTube channel Baby Health Guide. This is Bhavya here. तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शिशु और एक से दो साल तक के बच्चे का श्रेष्ठ आहार। जो बच्चे एक या दो साल तक के हो जाते हैं उनकी खाने में क्या क्या डाइट होनी चाहिए, आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। एक से दो साल के बच्चे अपने खाने की आदत को शिशुपन से छोड़कर अपने माँ बाप की तरह बनाना शुरू करते हैं। वे अपने हाथों से खाने की आदत को सीखते हैं और फिर जब वे 15 से 18 महीने के होते हैं तब अपनी थाल से खुद खाना सीखना पसंद करते हैं। एक साल के बालक का भोजन। बच्चे साल में 3 से 5 इंच तक ही बढ़ पाते हैं और इनकी इस उम्र में बहुत से बदलाव होते हैं, जैसे कि भोजन व्यवहार को सीखने से लेकर अनेक प्रकारों के खान पान के स्वाद तक। माता पिता यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हैं, जो अपने बच्चों को बोतल से पिलाने की आदत को दूर करते हैं और दूसरे आहार जो बच्चों के सेहत के लिए अच्छे हों उससे परिचय कराते हैं। स्तन के दूध से बहुत से पोषण उपलब्ध होते हैं, लेकिन अब यह सही समय है कि अपने बच्चों को आप वास्तविक खाने का स्वाद कराएं। टिप नंबर 1, डाइट प्लान में वह खाना बच्चों को चुने जो बहुकार्य हो। अगर आपका बच्चा केवल एक समय पर एक ही व्यंजन खाना पसंद करता है तब आप अपने बच्चे की आहार में अनेक पोषण तत्वों को मिला सकते हैं। आपको ज्यादातर अपने बच्चे की सेहत को लेकर सोचना चाहिए। उनके आहार में स्ट्रिंग चीज, पीनट बटर और अनाज से बनी रोटी जोड़ें। इस तरह आपके बच्चे को बहुत से पोषण प्राप्त होते हैं। टिप नंबर 2, डाइट चार्ट में अपने बच्चे के लिए ड्रिंक्स बनाएं। अपने बच्चे के आहार में ड्रिंक्स भी आवश्यक है। जूस को ज्यादा ना अपनाएं। आप उनके आहार में दूध जोड़ सकते हैं। 2 कप दूध काफी होता है आपके बच्चे को ज्यादा समय तक भरपूर रखने के लिए। आप उनको पानी भी पिलाने की आदत डालते रहें। उसमें कुछ बूंद जूस भी मिला सकते हैं। इससे आपके बच्चे की प्यास भी मिट जाएगी और साथ ही उनका पेट भी भर जाएगा। टिप नंबर 3, डाइट टिप्स है समझदारी से नाश्ते का प्रयोग करें। जब आपके बच्चे को बहुत से गतिविधियों के बाद उनकी ताकत को दोबारा प्राप्त करना हो तो नाश्ते के प्रयोग से यह संभव है, पर मीठे कुकीज और नमकीन नाश्ता यह नहीं दे सकते। इसके लिए आपको उन्हें फल, कटे हुए गाजर के टुकड़े और मल्टीग्रेन मफिन्स देनी चाहिए। आप और भी अनेक पदार्थ दे सकते हैं, जैसे कि नट्स, एप्पल सॉस, पीनट बटर, होल ग्रेन सेरल, राइस केक और अन्य। टिप नंबर 4, चीजों को बदलते रहें। बच्चों का आहार खाने में एक रास्ता अपनाने से अच्छा आप बच्चे को अलग रंग, स्वाद और आकार प्रदान करने वाले पोषण दें। अपनी रोटियों को बदलें और उनके आहार में कुछ केले के टुकड़े मिलाएं या एप्पल के भी टुकड़े को मिला सकते हैं। अगर चाहे तो दही को भी उनके आहार में मिलाकर उन्हें दूसरे स्वाद का अनुभव कराएं। टिप नंबर 5, खाने की क्वालिटी पर ध्यान दें ना कि मात्रा पर। जब बात कैलोरी पर आए तब पोषण से भरे खाने पर ध्यान देना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को सही मात्रा में पोषण से भरपूर ज्यादा कैलोरी वाला खाना दें, ना कि एक सार आहार को रखने वाला खाना जो आपके बच्चे की सेहत पर ज्यादा असर नहीं दिखाएगा। टिप नंबर 6, खाने के आहार पर ध्यान दें। बच्चों का खाना खान पान को लेकर ज्यादा चिंतित ना होए। केवल यह ध्यान रखें कि आपका बच्चा पूरे दिन में क्या खा रहा है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपके बच्चे को खाने के द्वारा प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन सी, सभी रंग के फल और सब्जियां, सभी अनाज, फैट, आयरन से भरपूर खाना प्राप्त होता रहे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि यह सब आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों की डाइट में दूध। बच्चों की सेहत के लिए आवश्यक है क्योंकि दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। बच्चों को ताज़ा और शुद्ध दूध देना चाहिए, जो ना कि स्किम्ड या बिना फैट का। दूध में मौजूद फैट शरीर को प्राकृतिक तरह से बढ़ने में सहायता करता है।
और साथ ही दिमाग को भी तेज बनाता है और बढ़ाता भी है। 12 से 18 महीने की उम्र सही है बच्चे को कब से दूध पिलाने के लिए। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना बच्चों के 1 साल से 2 साल तक के बच्चों का श्रेष्ठ आहार कैसा होना चाहिए। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बेबी हेल्थ गाइड चैनल को। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू।